देखिए मॉडल है हमारा 822 मॉडल कहलाता है, तो ये इस वक्त 12,300 रुपए का है। ये कह रहा है हमारी ऑफिशियल शॉप है टिम्सन की, और वो कह रहा है कि हमारी क्वालिटी भी टिम्सन वाली ही है, लेकिन वो बाकी कंपनीज के भी टायर रखे हैं। TS 620, ये क्या है? ये डिज़ाइन नंबर है, ये फ्रंट है, फ्रंट का देख लें, 620 318 टू प्लस लिखा हो। एक आता है ट्यूब टायर, लोग वो भी ट्यूब लेस लगा लेते हैं, लेकिन वो ट्यूब लेस होता नहीं है। ये सब में लगेंगे, रिम में लगेगी आपकी, रिम में लग के उसमें हवा डली जाती है, नोजल लेस का ट्यूब लेस, जिससे हमारी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। अगर कील लग जाए तो आपको कील उस वक्त निकालनी नहीं है आप। अच्छा, हवा कम होगी लेकिन हवा डलवा के आप चला सकते हैं गाड़ी। ये भी लगने वाला बांडे, फ्रंट टायर चेंज होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का वीलॉग भी हमारा सदर की जानिब है, और आज जो हमारे काम है सदर में, उनमें सबसे पहले तो ये है कि हमने अपने बाइक्स में जो है ट्यूबलेस टायर लगवाने हैं, तो उसके लिए वहाँ पर जाके इंफॉर्मेशन लेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन हम ले चुके हैं, और इंशाल्लाह रेट्स को देखते हुए फिर टायर चेंज करवाएँगे। इसके अलावा जो है मुझे ये थोड़ा सा लैपटॉप का काम भी करवाना है, और बाकी देखते हैं जो भी वहाँ पर हम करेंगे इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अक्सर ऑफ रोड वाले एरिया ज़्यादा आता है, तो उन वहाँ पर अक्सर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी ख़राब भी हो जाए, पंचर वगैरह हो जाती है, तो फिर बड़े मसाइल क्रिएट होते हैं। तो उन मसाइल से ख़ुद को महफूज करने के लिए हमने सोचा यार क्यों ना ये काम बाद में करना है, तो आज ही कर लें। ये आ गई भाई अनमोल और रतन, हाथ दे यार कसम से, ये 10 मिनट से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। हम वहाँ खड़े हुए थे, लैपटॉप का थोड़ा सा काम है वो भी करवाना है मैंने। चलो 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 फिर, ज़रा जल्दी निकलो। कराची की ट्रैफिक से पहले यार, कोशिश तो हमने बहुत की तेज़ निकलने की, लेकिन अभी तक हम डिगरोड भी नहीं पहुँचे, और ट्रैफिक ने जो है वो हमें ऐसा घेरा हुआ है के कहीं पर भी जो है ना वो 40-50 से ऊपर की स्पीड कर ही नहीं पा रहे हैं। कराची की कदीम इमारतें, ये है पीपल बस, कराची की एक कामयाब सर्विस। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं गवर्नर हाउस सीन। हेलो जी, थोड़े ही फासले, 400 मीटर के फासले पे हैं हम। लोकेशन पर तो हम आ गए। दोनों और रियर टायर या फ्रंट? सिर्फ बैक वाला। बैक का कह रहा है? सोना बैक का। अच्छा, और ये बोल रहे कि फिटिंग भी करूंगा और स्टील के नोजल भी लगाऊंगा। स्टील के नोजल? अच्छा, सही सही समझ गया हूँ, वो नीचे नोजल लगेंगे ना यार इसके। तो चलो अभी एक के तो रेट मिल गए, उनसे आगे भी रेट लेते हैं फिर आ जाते हैं। एक ये मॉडल है हमारा 822 मॉडल कहलाता है, तो ये इस वक्त 12,300 रुपये का है, और इसमें एक ये मॉडल कहलाता है जो मैं अपनी CBM50 में भी यूज़ कर रहा हूँ, और मुतमईन उसकी ग्रिप के हवाले से, तो ये 12,600 का, ये मेरा फेवरेट मॉडल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ज़्यादा? डिफरेंस कोई भी नहीं है, दोनों का मकसद है ड्यूल स्पोर्ट्स, यानी 80% रोड राइड और 20% ऑफ रोड को सपोर्ट करना, तो ये दोनों वही काम करते हैं, बस इनके रेट में डिफरेंस क्यों है? इसलिए कि वो इनका नया वर्जन, नया मॉडल बनाया, मॉडल के प्राइस फर्क होता है बस वही। हमारे लिए क्या हो जाएगा? 300 का कर दूंगा, लेकिन यार, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा। हाँ तो जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं टायर मार्केट, जो कि नियर उर्दू बाज़ार है,
और यहाँ पर हमने दो तीन शॉप से रेट ले लिए हैं। ये कह रहा है हमारी ऑफिशियल शॉप है टिम्सन्स की, और वो कह रहा है कि हमारी क्वालिटी भी टिम्सन वाली ही है, लेकिन वो बाकी कंपनीज के भी टायर रखे हैं। इसने सिर्फ शायद टिम्सन का काम करता है, ये सिर्फ टिम्सन का काम करता है, तो इसलिए इसकी प्राइस 300 ऊपर है, बल्कि लगाने की फिटिंग के हिसाब से 550 ज़्यादा हो रहा है। 550 की अगर बचत करनी है तो हमें उस शॉप पर जाना पड़ेगा। तो चले जी, जहाँ ये पहले विज़िट करके आए, मैं भी जाके वहाँ विज़िट कर लेता हूँ। इससे हमारी बात बात हो चुकी है, बस आप आगे रिव्यू ले रहे हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नया कौन सा है? ये नया अपडेटेड कौन सा है? राइट वाला 8.2 है। 8.2 पुराना है तो 8.7.1 है, और ये 6.0.1.2 नया है, और ये नया है। ये दोनों नया पैटर्न है। अपडेटेड कौन सा? ये अब ये वाला अपडेटेड 12,600 रिटेल प्राइस है। 12,600 पर नोजल वगैरह फिटिंग वगैरह सब साथ है, पूरे ट्रोनिंग रिटेल के बजाय। अच्छा, 12,600 होलसेल में? होलसेल में बाकी टायर वायर आपसे ले लेंगे, चेन में कर देंगे, सेम पैटर्न। 712 का इसके रेट है 8,300, सेम पैटर्न है। ये तुम क्यों नहीं करवा रहे हो? वही फ्रंट वाला, मेरे फ्रंट वाला न्यू है, दूसरा वो आप ट्यूबलेस है। 36 कंफ्यूजन ये है ना हमारे जहनों में कि यार ए बी एस सी क्वालिटी वाला सीन था, बहुत बड़ा सीन यार, क्योंकि हम तो इसमें एक्सपर्ट है नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर 19-20 इसमें होती है तो इंशाल्लाह इसी भी लोग के थ्रू इनके पास दोबारा आएंगे और यही टायर जिससे इन्हें वापस कर देंगे कि भाई क्वालिटी चेंज है। ये फ्रंट है, फ्रंट का देख लें 620 318 2+ लिखा हुआ। एक आता है ट्यूब टायर, लोग वो भी 2+ लगा लेते हैं, लेकिन वो 2+ होता नहीं है। वो क्या होता है? वो ट्यूब टायर होता है, वो स्टील पैडेड टायर, ये होता है 2+ टायर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड ये रेड का फर्क आया था, साइज तो यही होगा, रेड का फर्क आ जाएगा। ट्यूब टायर लिखा होता है लेकिन वो ट्यूब टायर में शुमार होगा, 2+ में नहीं होगा। दो नंबर का मतलब नहीं है, दो भी 2+ जाता है, नलकी लगती है 2+ लग जाएगा, लेकिन 2+ स्टील पैडेड टायर होता है। डिफरेंस तो होगा नहीं इसके, 1,000 रुपये का फर्क होता है उसमें, 1,000 रुपये का फर्क होता है। ये चीज़ देख लेगा अंदर और बाहर दोनों टायर 2+ लिखा हुआ, टायर के ऊपर भी 2+ लिखा हुआ और ऊपर भी लिखा हुआ। तो टायर आ चुके हैं, आपको दोनों दिखा दिए हमने, अब ये ओपन करके हमें ये दिखाने वाले हैं। इसमें जो दो नंबर ही वाला सीट ना हो तो ये हमें समझा रहे हैं कि दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती है, डेट सीरियल नंबर और इसके ऊपर जो टायर के नंबर मंगवा दें। ये लिखा हुआ TH620, ये क्या है? ये डिज़ाइन नंबर है TH620। ये वाले डिज़ाइन दिखाएँ, मेरा एरो वाला पैटर्न, पैटर्न दिखाएँ, पैटर्न पैटर्न देख लें, वो चेंज नहीं था एरो वाला। ट्यूबलेस जिससे हमारी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। ज़्यादा पंचर हो जाए या ट्यूब लगेगी? जब ज़्यादा पंचर हो जाए टायर में तो उसके बाद आप ट्यूब डाल के भी चला सकते हैं। तो और अभी करंट लगाएंगे थोड़ी गाड़ी, ट्यूब टायर अलग होता है, थोड़ी स्टील पैडेड टायर होता है। ये बगैर ट्यूब के लगेगा? अभी ट्यूबलेस टायर, ट्यूब वाला टायर सस्ता होता है। अच्छा, ये ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस टायर थोड़ा महंगा होता है, आप ट्यूब डालेंगे तो आपको कॉस्ट भी बढ़ जाएगा काफ़ी। इसमें फिर हवा वाला क्या सीन होगा? हवा वाला वो ट्यूब के साथ नोजल लगती है, पर ट्यूबलेस में नोजल लगती है। अच्छा, नोजल लगेगी, स्टील की फिटिंग होगी, आप फिटिंग भी फ्री है, नोजल भी फ्री है। ठीक है, तो मैं समझा कि इसमें शायद ट्यूब लगता है। नहीं, नोजल लगेगी, स्टील की नोजल होती है, मैं आपको नोजल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सब में लगेंगे? जी, रिम में लगेगी आपकी, रिम में लग के उसमें हवा डली जाती है, नोजल है इसका, कैब है, स्टील वाली नोजल है। मार्केट में जाएंगे आपको 400 की मिलेगी, मैं आपको फ्री लगा के दे रहा हूँ, फिटिंग विद नोजल एंड फिटिंग फ्री। तो ये बताइएगा अगर गाड़ी पंचर होती है अब कितनी पार होनी चाहिए?
और हमें कब इसकी केयर करनी चाहिए, इस चीज़ें भी बता। मैं अगर अल्लाह ना करे कील लग जाए तो आपको कील उस वक्त निकालनी नहीं है आप। अच्छा, हवा कम होगी लेकिन हवा डलवा के आप चला सकते हैं गाड़ी। अच्छा, ठीक है ना, जब आपने कील निकालेंगे उसमें हवा निकलना शुरू हो जाएगी। कील लग रहे हैं बोले, जब आपको अंधा नहीं लगे, यहाँ पर फिटिंग वाला आ गया है, कोई पंचर वाला आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमें कील का पता ही नहीं चला जी, और वो मल्टीपल टाइम उसमें रहा, वन वो अगर छोटी मोटी कील लगे वो अंदर जाके अंदर आर पार नहीं हुई है। अच्छा, हवा कम नहीं हुई है तो मतलब आर पार नहीं हुई, आप कील निकाल सकते हैं। ठीक है, सही ना, और ऊपर से 30 पाउंड अगला और पिछला 40 पाउंड हवा बराबर होनी चाहिए। फ्रंट में कितना होना चाहिए, 30 पाउंड और पीछे में 40 पाउंड। हर 15 20 दिन में हवा चेक कराएं, और हवा अगर कम हो रहेगी तो टायर खराब होता है। कभी भी पंचर लगवाएं, डोरी पंचर मत लगवाइए, वो अंदर स्टील होता है वो टूट जाता है। कौन सा? डोरी वाला, शू वाला पंचर मत लगवाइए। अभी भी लगवाएं पंचर, टायर खुलवाएं और सर ये ट्यूबलेस के पंचर्स वगैरह वो नॉर्मल से थोड़े डिफरेंट है, तो वो कहाँ से डोरी पंचर में हर पंप पे लगेगा आपको, हर जगह होता है, लेकिन वो उनको मेहनत करनी पड़ती है रोड टायर खोलने का। वो अगर वो टायर ख़राब करते हैं, वो सुबह पंचर को छोड़ते हैं अंदर, वो टायर ख़राब कर देते हैं। 8300 में फ्रंट, 318620 और लगभग 100 रुपये 18712 ये पड़ेगा आपको 12600 रुपये। लोकेशन बता दें जी, लोकेशन है मेरी रेडियो पाकिस्तान, जैसे ही होंगे आप ये मैन एम ये रोड चल रहा है, रेडियो पाकिस्तान बादशाह मार्केट पहली दुकान है, मोमो का बोर्ड लगा हुआ है, टेंशन टायर के नाम से शॉप। ठीक है, ठीक है, चले टायर का लगा हुआ, पूरा लगा हुआ है, बराबर में फिटिंग वाला है, ये सब पूरा लोकेशन रोड। आप यहाँ पर आके टायर खरीद भी सकते हैं विद फिटिंग, और ये आपको फिटिंग करके देंगे विद वन ईयर विद टायर आप लेके जाएंगे बाइक के नाम से, आपको नॉजल फिटिंग फ्री दो। वारंटी कितने साल की है? वन ईयर वारंटी है, टायर की खुल जाए, क्रेक हो जाए, बॉल बन जाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे जाना है रीगल, जहाँ पर मुझे अपने कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप में 1 TB की हार्ड ड्राइव लगानी है जी। तो हम आ जाओ, मैं बस हार्ड डिस्क ले चुका हूँ, वो लगवा के आ रहा हूँ मैं। 3:30 4:00 वो फैन को भी देख लेना है। हार्ड ड्राइव चेंज करवाने के लिए हार्ड ड्राइव में लगा चुका हूँ, बाकी बाहर सुधीर मेरा वेट कर रहे हैं, उजैर भी, तो अब चलते हैं हम दोबारा टायर मार्केट। उतरने के बाद देखते हैं, अगर मज़ा आया तो मज़ीद ऑर्डर करेंगे। बहुत ही बेड रहा, मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं आया कि 400 की सिंगल प्लेट और गोश्त इतना ख़राब, इससे बेहतर था कि हम किसी आम से होटल पे बैठ के कीमा खा लेते हैं। एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? मेरा तो बहुत बुरा रहा। इतना ख़ास नहीं था, बस नॉर्मल एक्सपीरियंस था, बस ये था कि जो बीफ था ना वो काम का नहीं था। चले जी, अपने व्लॉग के अख्ताम हम यहीं पर करते हैं। सदर आने के तमाम मकासद हमारे पूरे हो गए, ट्यूबलेस टायर लगवा दिए, और इसके अलावा जो है हार्ड ड्राइव भी लगा दिया लैपटॉप में, खाना वाना भी खा दिया। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।